हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल देवभूमि करियर पॉइंट। तो फ्रेंड्स देखिए, साइंस एमसीक्यूज वाली जो सीरीज है, मैं इसको कंटिन्यू रख रहा हूँ, क्योंकि आने वाले जो एग्ज़ाम्स हैं, रेलवे, एसएससी या अपना जो स्टेट एग्ज़ाम्स हैं, जैसे रेडियो अधिकारी और अग्निशमन अधिकारी का एग्ज़ाम है, वहाँ पर फिजिक्स केमिस्ट्री के क्वेश्चन ज़्यादा पूछे जाएंगे। इस वजह से मैं आजकल साइंस एमसीक्यूज की सीरीज कंटिन्यू करने की कोशिश कर रहा हूँ फ्रेंड्स, ठीक है। आज का जो पार्ट 9 है फ्रेंड्स, इसमें हम जानेंगे कुछ इंपॉर्टेंट मेजरमेंट्स और कुछ उपकरणों के बारे में जानेंगे, जो कि मोस्टली बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। इनसे एक क्वेश्चन जरूर बनता है हर किसी एग्जाम में। ये आप देख लें, कोई भी प्रीवियस ईयर का एग्जाम या क्वेश्चन पेपर उठा के देख लें, वहाँ पे इससे रिलेटेड आपको एक क्वेश्चन जरूर मिलेगा फ्रेंड्स, ठीक है। तो इसमें मेजरमेंट से संबंधित कुछ जानकारियाँ लेंगे हम, और साथ में लेंगे कुछ उपकरणों की जानकारियाँ और उनका उपयोग किसके लिए किया जाता है, ठीक है फ्रेंड्स। मेरे को लगता है ये वीडियो आपके लिए काफ़ी उपयोगी होगी आने वाले एग्जाम्स के लिए, ठीक है। और वीडियो आपको पसंद भी आएगी, काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें इसमें इंक्लूड की गई हैं, ठीक है फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स, वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिए, और वीडियो कैसी लगी प्लीज़ कमेंट भी कीजिएगा, ठीक है। और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए शुरू करते हैं साइंस एमसीक्यूज का पार्ट 9। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम इसमें पढ़ेंगे फ्रेंड्स एब्रीविएशंस ऑफ मल्टीपल एंड सब मल्टीपल, ठीक है, गुणक एवं उपगुणक के संक्षिप्त नाम। ये एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं, वहाँ पे केवल सिंबल दे दिया जाता है, आपको पता होना चाहिए वो सिंबल किसके लिए है और उसकी वास्तविक मेजरमेंट कितनी होती है, ये आपको अच्छे से आना चाहिए। तो सबसे पहले शुरू करें फ्रेंड्स, जी जी स्टैंड फॉर गीगामीटर। गीगामीटर की वैल्यू होती है फ्रेंड्स 10^9 मीटर, ठीक है। नेक्स्ट इज एम, एम स्टैंड फॉर मेगामीटर, ठीक है। तो मेगामीटर की वैल्यू होती है फ्रेंड्स 10^6 मीटर। नेक्स्ट के, के स्टैंड फॉर किलोमीटर, और किलोमीटर की वैल्यू सभी को पता है 10^3 मीटर या 1000 मीटर होती है, ठीक है फ्रेंड्स। बढ़ते हैं आगे, नेक्स्ट है फ्रेंड्स देखिए एच, एच स्टैंड्स फॉर हेक्टोमीटर, एंड 1 हेक्टोमीटर इक्वल 10^2 मीटर, ठीक है। तो 10^2 मीटर होता है। नेक्स्ट है डी ए, डी ए स्टैंड फॉर डेकामीटर, और डेकामीटर की वैल्यू होती है 10^1 मीटर या 10^1 मीटर, ठीक है। नेक्स्ट है फ्रेंड्स देखिए ओनली डी, डी मेंशन डेसीमीटर, डेसीमीटर की वैल्यू होती है फ्रेंड्स 10^-1 मीटर, ठीक है। नेक्स्ट इज सी, सी सभी को पता है सेंटीमीटर, सेंटीमीटर इज इक्वल 10^-2 मीटर, ठीक है। नेक्स्ट इज एम, एम मेंशन मिलीमीटर, ठीक है। वैसे यहाँ पे एमएम होना चाहिए, काफ़ी जगह पे एमएम आता है, यहाँ पे सिर्फ एम दिया है। एमएम मिलीमीटर है, और मिलीमीटर का मान होता है फ्रेंड्स 10^-3 मीटर। नेक्स्ट इज म्यू, ठीक है, म्यू, इसको म्यू बोलते हैं फिजिक्स स्टैंडर्ड में, ध्यान देंगे फ्रेंड्स। और ये माइक्रोमीटर या माइक्रोन को मेंशन करता है, और 1 माइक्रोन इक्वल होता है फ्रेंड्स 10^-6 मीटर, ठीक है। नेक्स्ट है एन, एन कैपिटल जो स्मॉल एन है मेंशन करता है नैनोमीटर को, काफ़ी बार ये एग्जाम में पूछा गया है व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 1 नैनोमीटर, ठीक है। तो 1 नैनोमीटर की वैल्यू होती है फ्रेंड्स 10^9 मीटर, ठीक है। नेक्स्ट है पी, ठीक है, स्मॉल पी इज पिकोमीटर, ठीक है। तो पिकोमीटर मेंशन करता है 10^-12 मीटर, ठीक है, ध्यान रखेंगे 10^12 मीटर फ्रेंड्स। इसमें जो लंबाई का एक मेजरमेंट है वो शायद छूट गया, 1 फर्मी मीटर, ठीक है। तो 1 फर्मी मीटर मेंशन करता है 10^-15 मीटर, ठीक है। तो 1 फर्मी मीटर का मान कितना होता है, क्वेश्चन आ जाता है कभी कभी, तो 1 फर्मी मीटर बराबर होता है 10^-15 मीटर, ठीक है। अब आगे जानेंगे फ्रेंड्स, देखिए कुछ जो यूनिट्स होते हैं उनका उनका सिंबल क्या होता है फ्रेंड्स, और उनका मात्रक क्या होता है, यहाँ पे जानेंगे उनको, ठीक है, सिंबल और उनके यूनिट्स को अच्छे से समझेंगे फ्रेंड्स, ठीक है। तो सबसे पहले मैं बात करूँ फ्रेंड्स आवृत्ति, फ्रीक्वेंसी। तो फ्रीक्वेंसी का जो मात्रक है फ्रेंड्स वो है हर्ट्ज, ठीक है, ध्यान रखेंगे। और इसका सिंबल होता है एच जेड, ठीक है, कैपिटल एच एंड स्मॉल जेड। ये एग्जाम में पूछ लेता है आवृत्ति का मात्रक क्या है, और वहाँ पे केवल वो सिंबल मेंशन करता है ऑप्शंस में, तो आपने ध्यान लगाना है, ठीक है, पूरा नहीं देता कभी कभी। नेक्स्ट है देखिए बल, बल तो सभी को पता होगा, बल का मात्रक होता है न्यूटन, ठीक है, बल की यूनिट होती है न्यूटन एंड सिंबल इज एन। नेक्स्ट है प्रेशर, दबाव, दबाव का जो मात्रक है फ्रेंड्स दैट इज पास्कल एंड सिंबल इज पी, ठीक है। नेक्स्ट है विद्युत की मात्रा, मैंने अभी प्रीवियस चैप्टर दिया था आपको इलेक्ट्रिसिटी वाला, वहां पे मैं बताना भूल गया था, विद्युत की मात्रा या आवेश का जो मात्रक होता है दैट इज कूलाम, ठीक है, एंड द सिंबल इज क्यू, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे वैद्युत विभव, ठीक है, तो वैद्युत विभव होता है फ्रेंड्स इसका मात्रक है वोल्ट, ठीक है, एंड इसका सिंबल होता है वी। नेक्स्ट है वैद्युत प्रतिरोध, रेसिस्टेंस, ठीक है, प्रतिरोध का मात्रक होता है फ्रेंड्स ओम, ओम का लॉ आपने पढ़ा होगा, काफ़ी बार पूछ लेते हैं फ्रेंड्स जो लोग एग्जाम देने जा रहे हैं, रेडियो अधिकारी का मैं मेंशन करूंगा कि आप ओम के लॉ को एक बार अच्छे से रिपीट कर लें, ठीक है, थ्योरी को। नेक्स्ट है देखिए इसका सिंबल होता है ओ एम, ठीक है, कैपिटल ओ एंड स्मॉल एम। नेक्स्ट इज ज्योति, फ्लक्स,
इसका मात्रक होता है ल्यूमेन, ठीक है, एंड सिंबल इज LUM। नेक्स्ट है प्रदीप्ति घनत्व, ठीक है, तो इसका मात्रक होता है लक्स एंड सिंबल इज सेम लाइक लक्स, ठीक है। नेक्स्ट है शक्ति, शक्ति का मात्रक सभी को पता होगा वाट होता है फ्रेंड्स, ठीक है, और इसका जो सिंबल होता है वो होता है W, ठीक है। नेक्स्ट है कार्य, तो कार्य की इकाई या कार्य की यूनिट है फ्रेंड्स जूल, ठीक है, और जूल का सिंबल होता है J, ठीक है, ध्यान रखेंगे। तो फ्रेंड्स ये काफ़ी इंपॉर्टेंट इकाइयाँ हैं और यूनिट्स हैं, इनको अच्छे से आप याद कर लें फ्रेंड्स, ठीक है, काफ़ी बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। अब देखिए फ्रेंड्स कुछ अन्य महत्वपूर्ण जो मात्रक है, कुछ इंपॉर्टेंट जो यूनिट्स हैं उनकी वैल्यूज भी कभी कभी पूछ लेते हैं फ्रेंड्स, तो उनकी वैल्यू आपको याद होनी चाहिए। वो कौन कौन सी इंपॉर्टेंट इकाइयाँ हैं मैं आपको बताना चाहूँगा, ठीक है। तो 1 एंगस्ट्रॉम, ठीक है, तो एंगस्ट्रॉम का सिंबल होता है, देखिए ये ऐसे आ जाएगा वहाँ पे, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 1 A, डिग्री का सिंबल लगेगा, तो आपको समझना है एंगस्ट्रॉम, एंड 1 एंगस्ट्रॉम इज इक्वल देन 10^-10 मीटर, ठीक है, 10^-10 मीटर होता है। नेक्स्ट है एक माइक्रोन, मैं ऊपर बता चुका हूँ आपको, लेकिन माइक्रोन का सिंबल आप याद रखें, देखिए यू की तरह बना होता है ये यू, लेकिन कटा हुआ यू होता है, इसको म्यू बोला जाता है, और इसकी वैल्यू होती है 10^-6 मीटर, ठीक है फ्रेंड्स। नेक्स्ट देखिए 1 मिली माइक्रोन, ठीक है, तो माइक्रोन से छोटी यूनिट है 1 मिली माइक्रोन, इसकी वैल्यू होती है 10^-9 मीटर, ठीक है, सॉरी एक बार फिर से रिपीट करता हूँ, 1 मिली माइक्रोन इज इक्वल देन 10^-9 मीटर, ठीक है, और ये सेम लाइक होता है किसके बराबर, 1 नैनोमीटर के बराबर, 1 नैनोमीटर की वैल्यू भी इतनी ही होती है, ठीक है फ्रेंड्स, 10^9 मीटर, ठीक है। नेक्स्ट देखिए 1 एक्स किरण यूनिट, जो एक्स रेज होती है उसकी यूनिट जो होती है, उस यूनिट की जो इकाई होती है वो या कितनी होती है, ठीक है, या मेजरमेंट कितनी होती है, तो वो होती है 10^-13 मीटर, 10^-13 मीटर। नेक्स्ट देखिए 1 फर्मी मीटर, मैंने ऊपर बताया आपको ये लेंथ की सबसे छोटी इकाई है, हिसाब से लंबाई मापने की सबसे छोटी इकाई है फर्मी मीटर, ठीक है, इसकी ये वैल्यू होती है फ्रेंड्स 10^-15 मीटर। अब देखिए इतनी छोटी छोटी यूनिट्स की जरूरत क्यों पड़ी होगी, मैं कभी कभी माइंड में आता है क्वेश्चन, तो देखिए फ्रेंड्स कुछ जो सूक्ष्म बैक्टीरिया होते हैं या सूक्ष्म वायरस होते हैं उनकी मेजरमेंट की जाती है, ठीक है, हम देखते हैं, जैसे आपने यूज किया होगा जब आप केमिस्ट्री फिजिक्स का जब प्रैक्टिकल करते थे क्लासेस में, वहाँ पे सूक्ष्मदर्शी की सहायता से आपने देखा होगा, ठीक है, तो उसकी मेजरमेंट करने के लिए इन यूनिटों को यूज किया जाता है, छोटी से छोटी चीज़ों की मेजरमेंट के लिए, ठीक है। तो लंबाई की सबसे छोटी यूनिट है एक हिसाब से 1 फर्मी मीटर इज इक्वल देन 10^-15 मीटर। नेक्स्ट देखिए प्रकाश वर्ष, यहीं पे देखिए दो अच्छी फैक्ट आपको मिल गई, लंबाई की सबसे छोटी इकाई मैंने बताया फर्मी मीटर, और लंबाई की सबसे बड़ी इकाई होती है पारसेक, ठीक है, जो प्रकाश वर्ष से भी बड़ी है, वैसे प्रकाश वर्ष था लेकिन प्रकाश वर्ष से भी बड़ी इकाई होती है पारसेक, ये लंबाई की सबसे बड़ी इकाई है, ठीक है। तो सबसे पहले प्रकाश वर्ष को जान लेंगे, तो प्रकाश वर्ष क्या है, तो प्रकाश द्वारा एक वर्ष में तय की गई दूरी कहलाती है एक प्रकाश वर्ष, समझ रहे हैं आप, प्रकाश द्वारा द लेंथ विच जो प्रकाश है वो तय करता है विद इन 1 ईयर, उसको बोलते हैं 1 लाइट ईयर, ठीक है, ध्यान रखेंगे, और इसकी वैल्यू होती है फ्रेंड्स 10^16 मीटर, ठीक है, 1 प्रकाश वर्ष बराबर 10^16 मीटर, ठीक है। अब इसका इससे बड़ा मात्रक जो होता है वो पारसेक होता है, तो कहने का मतलब पारसेक दूरी का सबसे बड़ा मात्रक है, और 1 पारसेक बराबर होता है 3.26 प्रकाश वर्ष, ठीक है, और मैं अगर बात करूँ यूनिट में तो 3.2 × 10^16 मीटर 1 पारसेक, ठीक है। तो आपने ध्यान रखना है, कभी कभी सीधे सिंपली क्वेश्चन बन जाता है कि पारसेक किसकी इकाई है, तो आपने लिखना है वहाँ पे या क्लिक करना है दूरी की इकाई है पारसेक, ठीक है, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट देखिए समुद्री मील, ठीक है, तो समुद्री मील, तो समुद्री माइल जो होता है फ्रेंड्स वो होता है 6020 फीट, और कभी कभी मीटर में भी पूछ देता है इसको, क्योंकि 1 जो समुद्री माइल होता है वो कितना होता है, तो ये होता है 1852 मीटर, ठीक है, 1852 मीटर होता है एक समुद्री मील। नेक्स्ट है 1 केबिल, तो 1 केबिल कितना होता है फ्रेंड्स 182.5 मीटर, ध्यान रखेंगे 1 केबिल इज इक्वल 182.5 मीटर। नेक्स्ट है नॉट, 1 नॉट, ठीक है, तो अब नॉट जान लेते हैं नॉट क्या है, तो नॉट है फ्रेंड्स देखिए जो जलयान चलते हैं या जो भी पानी के जहाज चलते हैं फ्रेंड्स उनकी स्पीड को मेजर करने के लिए इकाई है एक नॉट, ठीक है, तो 1 नॉट इज इक्वल देन 1 समुद्री माइल पर आवर, ठीक है, 1 समुद्री माइल पर आवर होता है 1 नॉट। नेक्स्ट है देखिए 1 स्लग, तो 1 स्लग का मान होता है, स्लग भी एक इकाई है फ्रेंड्स किसकी, भार की, ठीक है, वेट की, 1 स्लग इज इक्वल 14.59 किलोग्राम, ठीक है, 1 स्लग बराबर होता है 14.59 किलोग्राम। नेक्स्ट है 1 बार, तो बार इकाई है किसकी फ्रेंड्स, दाब की, ठीक है, प्रेशर की, ठीक है, तो प्रेशर ध्यान रखेंगे आप, तो बार बराबर होता है फ्रेंड्स 10^5
न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर, तो 1 bar = 10^5 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ठीक है फ्रेंड्स, आई होप आपके समझ में आया होगा। ये कुछ इंपॉर्टेंट इकाइयां हैं जिनको एग्जाम में ज़्यादा पूछने की संभावना रहती है, तो फ्रेंड्स अच्छे से इनको नोट डाउन कीजिए और याद कर लीजिए इनको। ठीक है, अब देखते हैं। देखिए कुछ उपकरण मैंने आपको बताया था, कुछ इक्विपमेंट्स और वो किस लिए यूज किए जाते हैं अच्छे से हम जानेंगे फ्रेंड्स। ठीक है, तो सबसे पहले मैं बात करूँ फ्रेंड्स कैस्कोग्राफ। तो कैस्कोग्राफ यूज्ड फॉर पौधों की वृद्धि मापन में। तो जो हम प्लांट लगाते हैं फ्रेंड्स, जैसे मैंने कोई प्लांट लगा दिया, उस प्लांट की मैंने को ग्रोथ की मेजरमेंट करनी है पर डे बाय डे, तो वो मैं किससे करूंगा, कैस्कोग्राफ से। ठीक है, नेक्स्ट इज क्रोनोमीटर। तो क्रोनोमीटर का जो यूज है फ्रेंड्स, ये यूज होता है जो जहाज होते हैं, सिप होते हैं पानी के, उन पे सही समय ज्ञात करने के लिए। देखिए अब बीच ओशियन में है, पैसिफिक ओशियन या इंडस ओशियन में है कोई जहाज, ठीक है, तो वहाँ पे कैसे समय का पता चलेगा अगर कोई घड़ी काम ना करे या कुछ ना करे। तो क्रोनोमीटर एक ऐसी डिवाइस है जो वहाँ पे निश्चित हर चीज़ में सही समय दिखाता है फ्रेंड्स। ठीक है, नेक्स्ट है कार्डियोग्राम। तो कार्डियोग्राम यूज होता है फ्रेंड्स हृदय गति की जाँच के लिए। ठीक है फ्रेंड्स, तो कार्डियोग्राम ध्यान रखेंगे, ये तो आप समझ ही गए होंगे, कार्डियोलॉजिस्ट हृदय की जांच करने वाला होता है फ्रेंड्स। ठीक है, और ईसीजी भी कभी कभी पूछ लेता है, वो इलेक्ट्रिक कार्डियोग्राफ। ठीक है, नेक्स्ट है कैलोरीमीटर। तो कैलोरीमीटर इज यूज्ड फॉर ऊष्मा की मात्रा मापन में, तो हीट की मेजरमेंट करने में एक हिसाब से कैलोरीमीटर का यूज होता है फ्रेंड्स। नेक्स्ट है गाइगर काउंट। तो ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है, गाइगर काउंट इज यूज्ड फॉर रेडियो एक्टिविटी। ठीक है, तो रेडियो एक्टिविटी की माप करने में कि उस प्लेस पे कितनी रेडियो एक्टिविटी है। बाय द वे कोई इस प्लेस है वहाँ पे यूरेनियम या थोरियम के भंडार हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो वहाँ पे गाइगर काउंट द्वारा पता किया जाएगा कि रेडियो एक्टिविटी कितनी हो रही है इस प्लेस में स्पेशली। ठीक है, कहीं ये खतरनाक तो नहीं है ह्यूमन के लिए या वहाँ पे जो भी बायोडाइवर्सिटी है उसके लिए खतरनाक ना हो, इसके लिए चेक होता है गाइगर काउंट से। ठीक है, समझ रहे होंगे आप मैं कैसे बताना चाह रहा हूँ आपको। नेक्स्ट है गायरोस्कोप। तो गायरोस्कोप इज यूज्ड फॉर घूमती हुई वस्तु को ज्ञात करने में, गति ज्ञात करने में। जैसे मोटर घूम रही है फ्रेंड्स, तो मोटर की स्पीड कितनी है। ठीक है, मोटर पे पंखा लगा है, बाय द वे पंखा छत का पंखा घूमता है ना, तो वैसे ही घूमती हुई चीज़ की गति ज्ञात करने के लिए गायरोस्कोप का यूज होता है। और घूमती हुई वस्तुओं की जो स्पीड होती है फ्रेंड्स, वो किस में ज्ञात की जाती है, RPM में। ठीक है, ध्यान रखेंगे ये काफ़ी बार पूछा जाता है। RPM इज रेवोल्यूशन पर मिनट। ठीक है, चक्कर प्रति मिनट, तो एक मिनट में कितने चक्कर लगा रही है वो वस्तु, दैट इज कॉल्ड RPM। ठीक है, नेक्स्ट इज लैक्टोमीटर। तो लैक्टोमीटर तो आप समझ गए होंगे फ्रेंड्स, दूध की शुद्धता मापन में, तो प्योरिटी मापी जाती है मिल्क की, किससे, लैक्टोमीटर से। ठीक है, और दूध से दही बनने में भी कौन सा बैक्टीरिया वहाँ पे रहता है, लैक्टोबैसिलस। ठीक है, नेक्स्ट है ऑडोमीटर। तो ऑडोमीटर लगा होता है फ्रेंड्स, आप जो बाइक यूज़ करते हैं या कार यूज़ करते हैं उन पहियों में लगा होता है। ठीक है, और ऑडोमीटर मीजर करते रहता है कि गाड़ी कितनी चल गई, और किलोमीटर वाले साइन में आपको डैशबोर्ड पे दिखता है कि मेरी गाड़ी कितने किलोमीटर रन कर चुकी है। ठीक है, नेक्स्ट है फैदोमीटर। तो फैदोमीटर इज़ यूज्ड फॉर डेप्थ ऑफ सी। ठीक है, समुद्र की गहराई मापने में यूज होता है फैदोमीटर का। अगला है फ्रेंड्स अल्टीमीटर। ठीक है, तो अल्टीमीटर का यूज होता है फ्रेंड्स विमानों की ऊंचाई मापने में। ठीक है, देखिए विमान ने टेक ऑफ किया, किसी प्लेन ने टेक ऑफ किया, और वो पृथ्वी तल से कितनी ऊंचाई पे उड़ रहा है, ये मेजरमेंट करता है अल्टीमीटर। ठीक है, आपने देखा होगा कभी कभी प्लेन में अनाउंसमेंट भी होता है, कभी मूवी में देखा होगा, या जो लोग प्लेन में गए हैं उन्होंने देखा होगा कि वहाँ पे बताता है आप समुद्र, आप पृथ्वी तल से इतनी ऊंचाई पे उड़ रहे हैं, तापमान इतना है, वायु का प्रेशर इतना है। ठीक है फ्रेंड्स, आप समझ रहे होंगे। नेक्स्ट देखिए एनीमोमीटर। ठीक है, तो एनीमोमीटर लगता है फ्रेंड्स हवा की शक्ति तथा गति को मापने में। ठीक है, तो एनीमोमीटर भी प्लेन में यूज किया जाता है, और मोस्टली हमारे दैनिक जो जीवन है वहाँ पे एनीमोमीटर का यूज होता है फ्रेंड्स एसी विंड मापने में। ठीक है, जो एसी लगे होते हैं तो बड़े बड़े यूनिटों में, वहाँ पे एसी कितना फ्लो कर रहा है, एयर फ्लो कितना है एसी डक्ट में, ये चेक किया जाता है एनीमोमीटर से। और प्लेन में भी एनीमोमीटर लगा रहता है, वो हवा की स्पीड करंटली बताता है कि कैसे कितनी हवा चल रही है, और प्लेन उसी के अकॉर्डिंग अपने को एडजस्ट करता है पायलट। ठीक है, वहाँ पे आप समझ गए होंगे। नेक्स्ट है मैनोमीटर। मैनोमीटर इज यूज्ड फॉर गैस का दाब ज्ञात करने में। ठीक है, तो कोई भी एयर है फ्रेंड्स उसका प्रेशर ज्ञात करने के लिए यूज होता है मैनोमीटर। ठीक है, नेक्स्ट है बैरोमीटर। मोस्टली बार पूछा जाने वाला क्वेश्चन, एवर क्लीन क्वेश्चन में इसको बोल सकता हूँ। बैरोमीटर इज यूज्ड फॉर किसके लिए, वायु दाब की याद करने के लिए। ठीक है, एयर प्रेशर के लिए यूज होता है बैरोमीटर। ठीक है, नेक्स्ट है फोटोमीटर। तो फोटोमीटर का यूज होता है फ्रेंड्स दो प्रकाशमय वस्तुओं की प्रदीप्ति तीव्रता की तुलना करने में। कहने का मतलब जैसे दो कोई लाइटिंग वस्तुएं हैं और लाइट उत्सर्जित कर रहे हैं वो, ठीक है एक हिसाब से, और दोनों की तीव्रता चेक करेंगे उसमें कि किसमें कितनी हो रही है, किसमें कितनी हो रही है। जैसे मैं बात करूँ सूर्य और चंद्रमा है ना, दोनों से लाइट मिलती है हमें। ठीक है, उनको अगर हमने उनकी हमने तीव्रता ज्ञात करनी है प्रदीप्ति की, चमक की, तो वो किससे करेंगे हम, फोटोमीटर से। ठीक है,
नेक्स्ट देखिए पायरोमीटर। तो पायरोमीटर क्या होता है, तारों का तापमान मोस्टली से मापा जाता है फ्रेंड्स, ठीक है। पायरोमीटर का यूज होता है, जो तारे हमको टिमटिमाते हुए दिखते हैं ना दूर दूर, काफ़ी बड़े हैं वो सूर्य से भी, हमको इसलिए छोटे दिखते हैं क्योंकि वो काफ़ी दूर है हमसे, सूर्य हमारे काफ़ी नज़दीक है, ठीक है। तो दूर की वस्तु का उच्च ताप मापन में यूज होता है पायरोमीटर का, ठीक है फ्रेंड्स। नेक्स्ट है हाइड्रोमीटर, ये भी काफ़ी बार पूछा जाता है। तो हाइड्रो आप समझ रहे हैं जल, तो आपेक्षिक घनत्व मापन के लिए, ठीक है। तो डेंसिटी, जो लिक्विड होता है उनकी डेंसिटी की मापन के लिए होता है हाइड्रोमीटर का यूज। नेक्स्ट इज हाइग्रोमीटर, थोड़ा कन्फ्यूज रहता है यहाँ पे हाइड्रोमीटर एंड हाइग्रोमीटर में, ध्यान रखेंगे। हाइग्रोमीटर का यूज होता है फ्रेंड्स ह्यूमिडिटी मापने के लिए, ठीक है। वायुमंडल की, जो वायुमंडल है इन्वायरमेंट की, ह्यूमिडिटी मापने के लिए यूज होता है, आर्द्रता मापने के लिए हाइग्रोमीटर। नेक्स्ट इज सिस्मोग्राफ, तो सिस्मोग्राफ क्या होता है, देखिए भूकंप आता है, भूकंप की तीव्रता तो मापी जाती है किसमें, रिएक्टर स्केल में फ्रेंड्स, ठीक है। लेकिन भूकंप कितनी वैल्यूएबल, कितनी वैल्यू थी उसकी, ठीक है, उसका एक्चुअल जो मापन किया जाता है वो किया जाता है सिस्मोग्राफ से, ठीक है, पृथ्वी सतह पर आने वाले भूकंपों के मापन में, ठीक है। और भूकंप की उत्पत्ति का पॉइंट क्या कहलाता है, फोकस कहलाता है, वो काफी एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक है। जहां पर से भूकंप उत्पन्न होता है वो बिंदु कहलाता है फोकस, दैट पॉइंट इज कॉल्ड फोकस, ठीक है। नेक्स्ट है स्पेक्ट्रोमीटर, स्पेक्ट्रोमीटर इज यूज फॉर अपवर्तनांक ज्ञात करने में, ठीक है। तो पदार्थ का अपवर्तनांक ज्ञात करने में यूज होता है स्पेक्ट्रोमीटर, ठीक है। नेक्स्ट है विस्कोमीटर, ठीक है, तो द्रवों की श्यानता मापन में, तो लिक्विड होते हैं उनकी विस्कोसिटी मापने के लिए यूज होता है विस्कोमीटर, ठीक है। नेक्स्ट है टैकोमीटर, टैकोमीटर का यूज होता है प्लेन और मोटर बोटों की गति मापन में, ठीक है। तो प्लेन होते हैं और जो भी सिप होते हैं उनकी एग्जैक्ट स्पीड कितनी है उसको मापता है या उसका मेजरमेंट करता है टैकोमीटर, ठीक है। नेक्स्ट इज गैल्वेनोमीटर, ये भी काफ़ी बार पूछा जाता है फ्रेंड्स, ठीक है। तो गैल्वेनोमीटर यूज करते हैं विद्युत धारा का दिशा तथा मात्रा ज्ञात करने में, ठीक है। देखिए हम घर में वोल्ट मीटर लगाते हैं, आपने देखा होगा ना टीवी या फ्रिज से पहले हम एक वोल्ट मीटर यूज करते हैं, वहाँ पे हमको मेंशन होता है कि कितनी वोल्टेज हो रही है, ठीक है। लेकिन वोल्ट मीटर क्या दिखाता है, केवल वोल्टेज दिखाता है, ठीक है, कहने का मतलब मात्रा दिखाता है, लेकिन दिशा थोड़ी दिखाता है वो किस दिशा में जा रही है। लेकिन गैल्वेनोमीटर एक ऐसा यंत्र है फ्रेंड्स जिसमें विद्युत धारा की दिशा भी दिखती है हमको, डायरेक्शन कहाँ को फ्लो कर रही है विद्युत धारा और कितनी मात्रा है, दोनों चीज़ें यहाँ पर दिखाई जाती है, ठीक है। नेक्स्ट इज ग्रेविमीटर, तो ग्रेविमीटर आपको समय पता चल रहा है ग्रेविटी, ठीक है, तो गुरुत्व का मापन करने में, ग्रेविटी के मेजरमेंट में यूज होता है ग्रेविमीटर का। नेक्स्ट इज रेडियोमीटर, तो रेडियोमीटर का यूज होता है फ्रेंड्स विकिरण द्वारा प्राप्त ऊर्जा के मापन में, तो ठीक है। विकिरण, विकिरण किससे होता है, किसी भी चीज़ से, तप्त वस्तु से हो सकता है, सूर्य से जो हमको यहाँ पे किरणें पहुँचती है या ऊष्मा पहुँचता है वो किस विधि से पहुँचता है, विकिरण विधि से, ठीक है, दैट इज कॉल्ड, इसी की मापन में यूज होता है रेडियोमीटर, ठीक है। नेक्स्ट देखिए सेक्सटेंट, सेक्सटेंट आपने यूज किया होगा छोटी कक्षाओं में भी, आपको एक जब हम औजार बक्सा लेते थे ना, सॉरी मेरे को ऐसा ही आता है, मैं क्या बोलूँ उसको, मेरे को आ नहीं रहा अभी दिमाग में, काफ़ी टाइम से यूज़ नहीं किया, जो हम बॉक्स लेते थे ना अपना स्कूल टाइम पे, उस बॉक्स में देखा होगा आपने, वहाँ पे रहता था डिवाइडर स्केल, उसी में सेक्सटेंट भी रहता था, टिकोना होता था जो, ठीक है, दैट इज उसी टाइप का यंत्र होता है ये सेम लाइक, और इसका यूज होता है फ्रेंड्स सूर्य चंद्रमा टावर आदि की ऊँचाई ज्ञात करने में, ठीक है, एंगल के माध्यम से हम ऊँचाई ज्ञात करते हैं फ्रेंड्स, ठीक है। अगला है स्फिग्नोमीटर, तो स्फिग्नोमीटर आपने देखा होगा जब भी आपने अपना बीपी नपवाया होगा किसी भी क्लिनिक या हॉस्पिटल में फ्रेंड्स, वहाँ पे यूज किया जाता है, आपके भाव में एक पट्टी बांधी जाती है और आपका बीपी नापा जाता है इससे, तो रक्तदाब की तीव्रता मापने में यूज होता है स्फिग्नोमीटर। नेक्स्ट इज जीटा, जीटा यूज होता है फ्रेंड्स ताप नाभिकीय ऊर्जा मापन में, तो नाभिकीय जो ऊर्जा होती है वहाँ पे ताप मापने के यूज आता है जीटा मीटर, ठीक है। अगला है फ्रेंड्स फोनोमीटर, तो फोनोमीटर का यूज होता है फ्रेंड्स ध्वनि की तीव्रता मापने में, ठीक है, तो फोनो से आपको साफ पता चल रहा है, तो साउंड की मेजरमेंट के लिए यूज होता है फोनोमीटर। एंड लास्ट इज क्रोनोमीटर, तो क्रोनोमीटर का यूज होता है फ्रेंड्स वर्णों कलर्स की तीव्रता ज्ञात करने में, कोई भी लेख लिखा गया है फ्रेंड्स उन लेखों में कलर्स की मात्रा कितनी है, कलर्स का कितना वहाँ पे उसकी वैल्यू एक हिसाब से देखने का कि कलर की वैल्यू कितनी है, तो उसकी तीव्रता ज्ञात करने के लिए यूज होता है क्रोनोमीटर, ठीक है फ्रेंड्स। आई होप जितने भी यूनिट्स और जितने भी मैंने आपको ये उपकरणों के बारे में बताया आपके समझ में अच्छे से आया होगा फ्रेंड्स। वीडियो आपको कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करें और चैनल को शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें फ्रेंड्स। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखें, अच्छे से अपनी पढ़ाई करें, अपनी सेहत का भी ध्यान रखें, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।